प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने वार्षिक परीक्षा के एग्जाम सेंटर से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है, जिसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो सर्कुलर है वो प्रिंसिपल्स के नाम है, प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो सीबीएसई से एफिलेटेड है और 2021 की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न करवा रहे हैं। तो सर्कुलर का सब्जेक्ट है चेंज ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल सेंटर रिगार्डिंग, और सर्कुलर है उसको जारी किया गया है 16 मार्च 2021 को। बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। सीबीएसई ने बोला है प्रिंसिपल के लिए, सर मैडम, इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th अलोंग विद देयर फैमिलीज हैव शिफ्टेड टू सम अदर सिटी कंट्री एंड देयर फोर दे आर अनेबल टू अपियर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थ्योरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे और वार्षिक परीक्षा के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा गया, और वो कोविड-19 की वजह से अपने घरों से दूर थे और वो कोविड-19 में वो शिफ्ट कर गए, अपने घर वापस चले गए और उनको विद्यालय से दूर होना पड़ा। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सीबीएसई ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, सीबीएसई हैज़ डिसाइडेड टू परमिट द चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर। द प्रोसेस ऑफ फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड वुड बी एज फॉलोज। इसको बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, मेजर स्टेप यहाँ पर उठाए गए हैं। सबसे पहला है कि सेंटर चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। इट इज़ मैंडेटरी दैट स्टूडेंट कंसर्न शुड हैव बीन इश्यूड रोल नंबर फॉर द एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई। बच्चे का रोल नंबर इश्यू होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो बच्चा रजिस्टर्ड है और उसने बोर्ड का फॉर्म भरा हुआ है। स्टूडेंट कंसर्न विल मेक ए रिक्वेस्ट टू द स्कूल रिक्वेस्टिंग टू चेंज द थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर और बोथ एज द केस मे बी। वाइल मेकिंग द रिक्वेस्ट स्टूडेंट विल ऑल्सो इन्फॉर्म द स्कूल एंड द सिटी। स्टूडेंट वुड प्रिफर टू अपियर इन द थ्योरी एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल, उसको संबंधित स्कूल जिसमें वो करंट ईयर में पढ़ रहा था वहीं पर एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, क्योंकि उस विद्यालय से वो दूर है तो अपने संबंधित विद्यालय में इस सेंटर चेंज का एप्लीकेशन देना होगा। तीसरा पॉइंट है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट, स्कूल विल लॉग इन इनटू स्कूल अकाउंट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट एंड सबमिट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, चेंज रिक्वायर्ड इन द थ्योरी, चेंज रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिकल, चेंज रिक्वायर्ड इन बोथ, रिक्वायर्ड सिटी कंट्री एट्सेट्रा। मतलब जो प्रार्थना पत्र बच्चे का प्राप्त होगा, स्कूल अपने लॉगिन आईडी सीबीएसई लॉगिन आईडी से वो बच्चे की पूरी डिटेल भरेंगे, जिसमें नाम होगा, जो सीबीएसई के द्वारा जारी रोल नंबर है, चेंज थ्योरी पेपर के लिए सेंटर चेंज कराना चाहता है, प्रैक्टिकल पेपर के लिए सेंटर चेंज कराना चाहता है, या दोनों के लिए कौन से सिटी में वो अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर देना चाहता है, वो भी विद्यालय के लॉगिन आईडी से भरा जाएगा। चौथा पॉइंट है, द चॉइस ऑफ सिटी फ्रॉम वेयर स्टूडेंट विशेज टू अपियर इन द एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड केयरफुली एज नो चेंज विल बी अलाउड वंस रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाई द स्कूल। आपने विद्यालय को रिक्वेस्ट किया, विद्यालय ने सीबीएसई में अपने लॉगिन से आपकी एंट्रीज हैं, आपकी रिक्वेस्ट है, उसको फिलअप कर दिया, तो उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सिटी और एग्जामिनेशन सेंटर है वो उसको बड़े सावधानी से फिलअप करना है। पांचवा पॉइंट है, इन केस चेंज फॉर बोथ थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर एंड प्रैक्टिकल इज रिक्वायर्ड, बोथ विल बी चेंज टू वन सिटी ओनली, टू सेपरेट सेंटर्स, दैट इज वन फॉर थ्योरी एंड वन फॉर प्रैक्टिकल विल नॉट बी अलाउड। एक जगह आपको बतानी पड़ेगी, एक शहर सिटी बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिकल आप एक शहर में देंगे और थ्योरी पेपर दूसरे शहर में देंगे। एक ही सिटी आपको डिसाइड करनी है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें परीक्षा देने में आपको आसानी हो। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट सीबीएसई विल अलॉट द एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेम सिटी और इन नेबरिंग सिटी, डिसीजन ऑफ द सीबीएसई विल बी फाइनल।
आपकी रिक्वेस्ट जो विद्यालय के थ्रू फॉरवर्ड की गई है, CBSE आपके रिक्वेस्ट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आपके सेंटर को, मांगे गए सेंटर को या नियर बाई सिटी को आपको अलॉट किया जाएगा। एक बार ये अलॉटमेंट हो गया तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो CBSE का फैसला है, वो अंतिम होगा, आपको उसी जगह पर परीक्षा देनी होगी। ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी अपलोडेड एज पर इंस्ट्रक्शन बाई द स्कूल फ्रॉम वेयर स्टूडेंट हैज अपियर इन द प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में वो वहीं से आपके प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। आठवां पॉइंट है, स्कूल फ्रॉम वेयर स्टूडेंट वॉज रजिस्टर्ड विल मार्क टी, दैट इज ट्रांसफर केस, इन फ्रंट ऑफ द नेम रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन लिंक। जब प्रैक्टिकल के ऑनलाइन मार्क्स भरे जाते हैं तो वहां पर टी लिखा जाएगा, जिसमें बच्चा पढ़ रहा था परंतु उसने सेंटर चेंज करवा लिया, तो सेंटर के चेंज करके जो चेंज सेंटर आया वहां वो प्रैक्टिकल देगा और पुराने विद्यालय में उसका टी भरा जाएगा, ये उसमें व्यवस्था होगी। बच्चे का एबसेंट, प्रेजेंट और टी, ये तो टी ये लेटेस्ट है ट्रांसफ़र केस के लिए, जिसके लिए बच्चा पेंडेमिक की वजह से वो दूसरे विद्यालय में या दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया था। नवा पॉइंट है, रिजल्ट ऑफ दीज कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम द रीजनल ऑफिसेज फ्रॉम वेयर दे वर रजिस्टर्ड, उसी जहां पर वो पहले रजिस्टर हुए हैं उसी रीजनल ऑफिस से उन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ऑल द रीजनल ऑफिसर्स विल एंश्योर दैट मार्क्स ऑफ ऑल सच कैंडिडेट्स आर अपलोडेड ऑन वेबसाइट टिल 11th June 2021। ये निश्चित करना होगा कि उनके मार्क्स हैं वो फिल कर दिए गए, जिससे कि समय पर CBSE का रिजल्ट डिक्लेयर हो सके। आगे बताया गया है, इन केस देयर इज एनी कैंडिडेट हु इज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड नॉट एबल टू अपियर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, स्कूल कैन ऑल्सो मेक ए रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिटी थ्रू द सेम लॉगिन आईडी। कोई बच्चा अगर इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है, तो उसके सेम लॉगिन आईडी से विद्यालय है वो उसका सेंटर चेंज की रिक्वेस्ट CBSE को कर सकता है। द शेड्यूल फॉर द एंटायर प्रोसेस विल बी एज फॉलोज, पहला स्टूडेंट कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू देयर स्कूल बाय 25th March 2021। बच्चे को विद्यालय में अपना रिक्वेस्ट है सेंटर चेंज का वो भेजना होगा 25 मार्च तक। स्कूल विल अपलोड द रिक्वेस्ट लेटेस्ट बाय 31st March 2021। जो रिक्वेस्ट विद्यालय को प्राप्त हुई हैं वो रिक्वेस्ट को CBSE लॉगिन में CBSE को फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 है। नो रिक्वेस्ट बियॉन्ड द अबव शेड्यूल इन एनी केस शैल बी एक्सेप्टेड बाई CBSE फॉर चेंज ऑफ सेंटर। इसलिए जो बच्चे अपना सेंटर चेंज करवाने चाहते हैं वो जल्दी से अप्लाई करें, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा फंसा हुआ है या कोई पेरेंट है वो एक स्टेट में या दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी जॉब छूटने की वजह से या किसी भी कारण से वो अपने पुरानी जगह, पुराना स्कूल है वो छोड़ गए और अब नए स्थान पर वो रह रहे हैं, तो CBSE ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है, आप जल्दी से अप्लाई करें। थैंक यू।